महोदय, प्रकृति ने मनुष्य को अनेक अनुपम उपहार दिए हैं। इन्हीं उपहारों में से एक उपहार है नेत्र। प्रकृति के सौंदर्य को निहारने और उसकी सुंदर छटा को अपने में समेटने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होती है। इसके बिना मनुष्य अपने आप को अधूरा अनुभव करता है। विश्व के रचयिता ने जब अपनी सबसे प्रिय कृति मानव शरीर की रचना की तो उसने सबसे पहले उसे आंखें प्रदान की ताकि वह संसार की हर वस्तु को देखकर उसका आनंद ले सके। हमारे भारतीय साहित्य में भी आँखों का वर्णन हर कवि, साहित्यकार और लेखक ने किया है। उनके नश सिन सिख वर्णन में आँखें सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं। उनके अनुसार नारी सुंदरता में आँखों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। नेत्रों को शरीर का सबसे अनमोल अंग माना गया है। नेत्रहीन व्यक्ति को जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनकी कल्पना करना भी कठिन है। उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है क्योंकि वे ईश्वर प्रदत्त सुंदर संसार को देख ही नहीं पाते, ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। इसीलिए वे अपने जीवन को व्यर्थ भार मानकर मायूसी में जीते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो उनके मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं, उनके जीवन की सूखी बगिया को हरा भरा बना सकते हैं, मगर इसके लिए आपको अपने नेत्रों का दान करना होगा, क्योंकि अपनी आँखों से दूसरों को देखने का अवसर प्रदान करने के लिए नेत्रदान की ही एकमात्र सेवा है, जिसके माध्यम से आपकी आँखें पाने वाला एक नेत्रहीन अपना जीवन बदल सकता है, अपनी अंधेरी दुनिया को जगमगा सकता है। हाँ, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय भावनाओं का होना परमावश्यक है। आज हर क्षेत्र में प्रगति करने के साथ साथ मनुष्य ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी असातीत प्रगति की है और दिन प्रतिदिन चिकित्सा के क्षेत्र में एक के बाद एक सफलता प्राप्त करता ही जा रहा है। आज चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। आज मनुष्य ने ऐसी कई लाइलाज बीमारियों का इलाज खोज निकाला है जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। शल्य चिकित्सा द्वारा अनेक विकृत व रोगग्रस्त रोगों को ठीक किया जा रहा है। महोदय, एक व्यक्ति के अंगों को दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित करने में भी मनुष्य ने सफलता पा ली है। अन्य अंगों के प्रत्यारोपण के साथ ही आँखों के मामले में कार्निया प्रत्यारोपण की विधि मनुष्य ने खोज निकाली है। इस विधि के अंतर्गत कॉर्निया आँखों की पुति या काला भाग में हुई किसी भी तरह की बीमारी, चोट या फिर पोषक तत्वों की कमी से हुई किसी भी तरह की बीमारी का उपचार किया जा सकता है। हमारे देश में लगभग 2 करोड़ व्यक्ति नेत्रहीन हैं, जिनमें से करीब 1 करोड़ 20 लाख व्यक्ति आँखों से तथा लगभग 80 लाख व्यक्ति एक आँख से नेत्रहीन हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में विश्व के कुल नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या का 1/4 भाग है। अंधता के कारणों से या तो बचा जा सकता है या फिर उनका उपचार संभव है। विश्व के लगभग 120 लाख नेत्रहीनों में से 10 लाख नेत्रहीनों का उपचार छोटे ऑपरेशन द्वारा संभव है, तथापि इनकी एक बड़ी संख्या का उपचार संभव नहीं है। अंधता का मुख्य कारण कॉर्निया का धुंधलापन है। इसी धुंधलेपन के कारण भारत में लगभग 7 लाख व्यक्ति नेत्रहीन हैं। इस धुंधलेपन का उपचार कॉर्निया प्रत्यारोपण के द्वारा संभव है, लेकिन यह प्रत्यारोपण तभी संभव है जब हमें किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी इच्छा से उसकी आंखें प्राप्त हो। हमारे देश में मृत्यु दर 10 प्रति 1000 है। इस हिसाब से एक बड़ी संख्या में नेत्रहीनों को आंखें उपलब्ध कराई जा सकती हैं, मगर दुर्भाग्यवश नेत्रदान से संबंधित कुछ भ्रांतियों के चलते नेत्रदान करने वालों की संख्या में कमी होने के कारण यह सफल नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में नेत्रदान का इतिहास लगभग 50 वर्ष पुराना है। भारत का पहला नेत्र बैंक सन 1945 में मद्रास में स्थापित किया गया, मगर पहला नेत्र प्रत्यारोपण 1948 में डॉक्टर R.E.S. मुथैया ने किया था। नेत्र बैंक खुलने के इतने वर्षों बाद
होने वाले इस प्रत्यारोपण का कारण लोगों में फैला धार्मिक विश्वास, अशिक्षा व अज्ञानता का था। 1948 में फांसी की सजा पाए एक कैदी की सहमति के बाद ही प्रथम नेत्र प्रत्यारोपण संभव हो सका। इस नेत्र प्रत्यारोपण के बाद ही एक आंदोलन की शुरुआत हो सकी। आज इस तरह के नेत्र बैंकों की संख्या 203 के लगभग है। 1996 से प्रतिवर्ष नेत्रहीन पखवाड़ा मनाया जाता है। स्टॉप।